नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन, यंग इंडिया का दफ्तर हुआ सील, कांग्रेस मुख्यालय के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। कांग्रेस का कहना है आतंकियों जैसा बर्ताव हो रहा, संसद में कांग्रेस उठाएगी ये मुद्दा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज सीएम शिवराज खरीदेंगे तिरंगा, 10 नंबर मार्केट से महिला स्व सहायता समूह की दुकान से खरीदेंगे तिरंगा। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर्य परियोजना का भी करेंगे लोकार्पण। आज सीएम भूपेश बघेल गौधन न्याय योजना के हितग्राहियों को देंगे सौगात, 5,60,00,000 रुपए का करेंगे भुगतान। गौठानों से जुड़ी अब तक महिला समूहों को मिल चुका है 77 करोड़ का मुनाफा। छत्तीसगढ़ में 45 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, रायपुर, उरला, सिलतरा, खरोरा और रायगढ़ में कारोबारियों के ठिकानों पर छापा, 35,00,000 कैश, दर्जनों लॉकर और ज्वेलरी हुई बरामद। भोपाल और जबलपुर में ईओडब्ल्यू का शिकंजा, भोपाल में क्लर्क के घर 80,00,000 रुपए नकदी समेत करोड़ों की मिली संपत्ति, जबलपुर में इंजीनियर के घर से करीब 1,50,000 की नकदी। और मध्य प्रदेश में फिर बदला मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट, राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में देर रात से बारिश का दौर जारी।